चंपावत के सीमचूका काली नदी में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं रेस्क्यू कर शव को नदी से बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने बताया कि मृतक शादी समारोह में शामिल होने गए था, जिसके बाद से ही ये लापता था। इस दौरान गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। वहीं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वी के जोशी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। फिलहाल शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। तो 11 तारीख को शादी समारोह में थे वो, तो वहाँ से लापता होने की खबर मुझे मिली। उसके बाद हमने झूलाघाट थाने में एफआईआर की और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद वहाँ ढूंढा बहुत पुलिस वालों ने, एसएसबी की टीम ने उन्हें ढूंढा, बट कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो एक हफ्ते बाद आज यहाँ चूका गाँव, कोई गाँव से भी डेड बॉडी मिली थी कल सूचना मिली हमें पुलिस के द्वारा। तो हम अभी यहाँ पर आए, अभी पोस्टमार्टम हुआ था, तो वो हमारी डेड बॉडी है। महेश बॉडी रिकवर की है चूका से पुलिस ने, उसका नाम महेश चंद्र दामोदर, उसके पिता का नाम है, उम्र 37 साल का है, जिसका कि हमने अभी पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी बन रही है, उसके बाद ही निष्कर्ष निकल पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या रहा। तो हमने उनके परिवार वालों को सपोर्ट कर दिया।